ये है कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार रात जब देश के नाम संबोधन करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया, उसके बाद रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए नोट के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने ऐसी किसी चिप का कोई जिक्र नहीं किया। इसका डिजाइन अलग है, ये डिजाइन में भी हम इम्प्रूव किए हैं, सिक्योर्ड डिजाइन फीचर्स लगे हुए हैं, इसलिए ये इनको कॉपी करना उतना आसान नहीं है। इसके बाद अगले दिन यानी बुधवार को हर अखबार में रिजर्व बैंक ने नए नोट का विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में नए नोट के बारे में 17 पॉइंट बताए गए हैं। नोट में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मंगलयान तक के जगह जगह चित्र लगाए गए हैं, लेकिन इन 17 पॉइंटर में कहीं किसी चिप का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2000 के नए नोट में ऐसी कोई नैनो जीपीएस चिप नहीं लगी हुई है। अगर वाकई कोई चिप इसमें लगी होती तो सरकार क्यों छिपाती? इस सवाल का जवाब शाम 5 बजते-बजते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। जेटली ने साफ साफ कहा कि ये खबर कहां से आई वो नहीं जानते। High denomination currency like 2000 rupees will come with a GPS tracking system. There'll be a chip. देखिए, ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। इसलिए हम